भले ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3 तारीख को बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन बड़े ही धीरे धीरे मंत्रिमंडल के विस्तार का कार्य चल रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है 3 राज्यों में, और अब मध्य प्रदेश में भी हो चुका है और अब राजस्थान में भी होने जा रहा है। इनफैक्ट राजस्थान में सारे ही MLAs को बोल दिया गया है कि जयपुर में आकर वे अपना जमावड़ा जमा ले। उन सभी को कॉल जा चुका है, अब जयपुर में वे जाके जम चुके हैं। कॉल का इंतजार हो रहा है, बस किसी भी वक्त मंत्रिमंडल का वहां पर भी शपथ हो सकता है। अब ये बात जो उठ रही है, कहीं ना कहीं जो डिले हो चुका है उस पर पॉलिटिक्स जमकर गर्मा चुकी है। नमस्कार, जय जोहार, मेरा नाम सुमी राजपन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को इस बात का इंतजार है, आपको और मुझे इस बात का इंतजार है कि किस तरह से कैबिनेट मंत्रियों ने, छत्तीसगढ़ के हो या मध्य प्रदेश के हो, शपथ तो ले ली है, गवर्नर ने शपथ दिला दी है दोनों ही राज्यों में, लेकिन अभी तक कैबिनेट बर्थ किसी को भी मिले नहीं है, यानी कि कैबिनेट पोर्टफोलियोज अभी किसी को दिए नहीं गए हैं। कौन सा मंत्री क्या भार लेकर आगे अगले 5 साल में काम करेगा, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। और ये इतना बड़ा रहस्य हो चुका है कि इस पे पॉलिटिक्स भी गर्मा गई है। जाहिर सी बात है, 3 तारीख को विजयी बीजेपी ने 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगा दिया सीएम की घोषणा करने में, और अब उससे भी ज्यादा वक्त लगा रहे हैं मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। मंत्रिमंडल के शपथ, जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो तो हो चुका है, शपथ ग्रहण भी हो चुकी है, लेकिन पोर्टफोलियोज अभी तक बांटे नहीं गए हैं। और इसको लेकर अब जो बेचैनी है वो अपोजिशन में भी नजर आ रही है। कांग्रेस ने काफी ज्यादा बीजेपी को घेरना भी शुरू कर दिया है इस नाम पर। आइए देखते हैं सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे पर कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बंडलबाज की राजनीति करना चाहती है। इसलिए हर कोई मिनिस्टर भले ही शपथ ले चुके हो, हर कोई इसी कोशिश में है कि जो मलाईदार मिनिस्ट्री है वो उसके हाथ आ जाए, और इसीलिए दिल्ली में कोई डिसीजन हो नहीं पा रहा है। आइए देखते हैं सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कहा। मंत्रिमंडल के विभाग में बंटवारा इसलिए नहीं हो रहा है कि मलाईदार विभागों के बंटवारों के लिए जूतम पैजार मची हुई है। यहां से लेके ऊपर तक अप्रोच लगाए जा रहे हैं, बोलियां लगाई जा रही है, हिस्सेदारी की गारंटी दी जा रही है, और इसी कारण से मंत्रिमंडल के बंटवारे में दिक्कत हो रही है। अब तो यह भी तय किया गया है कि मंत्रियों के साथ संगठन के एक लोग को भी समझाया जाएगा। अरे भाई, मंत्री जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुई जनता के प्रतिनिधि रहते हैं, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संगठन के आदमी का मंत्री के साथ में लगाना सीधे सीधे संवैधानिकतर व्यवस्था है। यह भारतीय जनता पार्टी कि जनता के प्रति अविश्वास है, जनमत का अपमान। जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस ने अब जो अपने गन्स हैं उसको उठा लिया है और बीजेपी पर एम करके रखा हुआ है। जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो नहीं जाता और पोर्टफोलियोज अच्छे से बट नहीं जाते, कहीं ना कहीं ये रहस्य जब तक खुल नहीं जाता तब तक कांग्रेस अब आक्रामक बनी रहेगी इसी नाम पर। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो है काउंटर इस पर दे दिया है। आइए देखते हैं प्रोटेम स्पीकर और कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने इस तरह से काउंटर किया। कांग्रेस आरोप भी लगा रही है, कितना लेट क्यों, मतलब आपसी वो है मतभेद, इसके चलते गुटबाजी के चलते नहीं हो रहा भैया। आपसी गुटबाजी कांग्रेस में हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कहीं पे कोई बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता भाव से काम करता है। हमारे यहाँ जो पद का दायित्व दिया जाता है तो दायित्व मिला है, बहुत जल्द उसका भी अलग अलग डिपार्टमेंट का घोषणा कर दिया जाएगा, और हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं उसका पूरा हम सब निर्वाह करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह से रामविचार नेताम भी कह रहे हैं कि ये जो बंडलबाज की बातें हो रही हैं, मलाईदार कैबिनेट मिनिस्ट्रीज को लेकर बातें हो रही हैं, ये भले ही कांग्रेस में होता हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और बिल्कुल एक दायित्व जो सोचा गया है उस दायित्व को बहुत सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करती है, शायद इसीलिए ये डिले हो रहा है। लेकिन मैं अगर आपको एक बहुत पीछे की बात बताऊं, बहुत अंदर की बात बताऊं, तो ये जो निर्णय है ऑलरेडी ले लिया जा चुका है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के नाम पर, ये जो निर्णय है दिल्ली में लिया जा चुका है, लेकिन अब इसे कन्वे करने का काम साथ में किया जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में साथ में बताया जाएगा कि कौन से शपथ लिए मंत्री को क्या मिनिस्ट्री दी जा रही है। उससे पहले जब तक राजस्थान में शपथ ग्रहण नहीं हो जाता
तब तक तीनों राज्यों को इंतजार करना होगा, तीनों राज्यों के उन सारे मंत्रियों को इंतजार करना होगा जिन्होंने शपथ ले ली है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल करीब है। लोकसभा इलेक्शन 3-4 महीनों में ही है और लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि छत्तीसगढ़ में भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो भी हर एक वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हर एक वर्ग के एक व्यक्ति को दायित्व दिया गया है और कहीं ना कहीं किसी भी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी नाराज नहीं करना चाहती, डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, इसलिए हर एक वर्ग को ध्यान में रखा गया है। बिल्कुल यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी अपनाया गया और यही फॉर्मूला राजस्थान में भी अपनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी बघेल यानी कि कुर्मी कम्युनिटी को एक मंत्रालय गया है, अग्रवाल कम्युनिटी को एक मंत्रालय गया है, आप देखेंगे जैन जो माइनॉरिटी है उनको भी मंत्रालय गया है, साहू कम्युनिटी को मंत्रालय गया है। तो हर एक कम्युनिटी जो छत्तीसगढ़ में अपना पैट रखती है, जिनकी पॉपुलेशन चीजों को बना और बिगाड़ सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उन सभी कम्युनिटीज के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के सारे मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। 12 लोगों ने यहाँ पर शपथ ले ली है, 9 लोगों ने शपथ ले ली है और जो 3 लोग हैं विष्णुदेव साय और दोनों सीएम अरुण साव और विजय शर्मा, इन तीनों ने पहले ही काफी जोरों शोरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेजेंस में शपथ ले ली है। अब 12 लोगों ने शपथ ले ली है, लेकिन इंतजार सभी को एक बड़े सवाल का है कि किसके पास क्या मंत्रालय जाएगा। अब कहीं ना कहीं ये इंतजार लोगों को करना पड़ेगा जब तक दिल्ली से कॉल नहीं आ जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह चीज साफ कर दी थी पहले ही कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं जो विस्तार भी है, जो मंत्रिमंडल का जो गठन होना है और गठन हो भी चुका है 2 राज्यों में और राजस्थान में जो होना है, उन तीन को हमेशा दिल्ली से ही कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा। ये बहुत बड़ा मैसेज था जो भारतीय जनता पार्टी देना चाहती थी, क्योंकि जीत क्योंकि सेंट्रल चेहरे पर एक नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुई है, इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली के पास इन तीनों राज्यों की चाबी जरूर मौजूद रहेगी। आज के लिए राउंडअप में बस इतना ही, हमारे साथ अपनी फीडबैक लगातार बांटते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक मुझे सुमी राजपन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जोहार।